नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशंस में आए हुए वैकेंसीज के बारे में। तो कहाँ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, टीचिंग पोजीशंस में कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है वैकेंसीज रिलीज किया गया है, एप्लीकेशन प्रोसीजर के साथ साथ लास्ट डेट क्या होने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या है, मंथली सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, ये सारे सब कुछ जो है डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल पे बिल्कुल नया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। एंड मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज रिलीज किया गया है। क्या सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स में 1-1 करके वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मास्टर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है इन कॉमर्स एंड उसके साथ साथ बीएड आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपने एमकॉम किया है अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो फिर आप यहाँ पे बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ओके, इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पे देखिए, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किया है इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में विद मिनिमम 50% मार्क्स प्लस बीएड है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी सीबीएसई स्कूल से। तो कोई भी सीबीएसई स्कूल में अगर आपने 3 साल की एक्सपीरियंस किया है, मतलब मिनिमम 3 साल की, अगर आपने 4 साल 5 साल की किया है तो फिर और भी बहुत बढ़िया है, बट मिनिमम 3 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। एंड यहाँ पे आपका ग्रॉस सैलरी दिए गए हैं इंक्लूडिंग ईपीएफ एंड ईएसआई प्रोविडेंट फंड वगैरह यहाँ पे इंक्लूड है। तो देख सकते हैं कि 31,056 रुपए यानी कि 31,056 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसके लिए सब्जेक्ट है सोशल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। हर एक सब्जेक्ट में 1-1 करके वैकेंसीज है। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, बैचलर्स डिग्री अगर आपने कंप्लीट किया है इन एनी टू ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट फॉलोइंग हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इसमें से कोई भी अगर 2 सब्जेक्ट में आपका बैचलर्स डिग्री है तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हो, हर एक कॉम्बिनेशन में आपका हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से कोई भी एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है, सोशल साइंस के केस में। एंड यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं 26,660 रुपए यानी कि 26,660 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है इंक्लूडिंग ईपीएफ एंड ईएसआई। एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपने बीएससी किया है, कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर बीसीए किया है, बैचलर्स किया है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। अदरवाइज अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया है इन एनी सब्जेक्ट विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड 3 साल की डिप्लोमा कोर्स किया है इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटीई और यूनिवर्सिटी तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं। एंड उसके साथ साथ आपके पास बीएड होना बहुत ही जरूरी है, बीएड इज द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे भी 3 साल की एक्सपीरियंस डिमांड किया गया है फ्रॉम एनी सीबीएसई स्कूल। एंड यहाँ पे सैलरी मैंने पहले ही बता दिया है कि 26,660 रुपीज पर मंथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। नॉन टीचिंग पोस्ट में यहाँ पे स्वीपर की पोजीशन निकाला गया है जिसमें 2 वैकेंसी है, क्लास 5 5th पास अगर है आप हैं, ठीक है, अगर आपने क्लास 5 का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है 5th का सर्टिफिकेट तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगा 11,694 रुपीज पर मंथ। ओके, एंड यहाँ पे एज लिमिट देखिए, सीबीएसई नॉर्म्स को फॉलो किया जाता है तो उसके हिसाब से यहाँ पे एज लिमिट रखा जाता है। एंड डिजर्वेबल, ये बहुत अच्छी बात है कि सीटेट एंड टेट जो एग्जाम है वो यहाँ पे डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा होता है कि वो पूरे जो क्वालिफिकेशन है वो तो मैच कर जाता है बट सीटेट टेट क्वालिफिकेशन नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आपने सीटेट टेट क्वालिफाई किया है तो फिर बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। बट ये मैंडेटरी नहीं है एप्लीकेशन के लिए, इसीलिए अगर आपके पास नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज को भी यहाँ पे डिजर्वेबल में रखा गया है, तो उम्मीद तो यही किया जाता है कि आजकल सभी के पास कंप्यूटर का छोटा मोटा तो नॉलेज होगा ही, बट जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है, मतलब अगर आप यहाँ पे क्लेम करेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज है तो आपको सर्टिफिकेट शो करना होगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पे यही कंसीडर किया जाएगा कि कंप्यूटर में आपका नॉलेज जो है वो नहीं है, ठीक है। अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप जो है बिना कंप्यूटर नॉलेज के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो स्कूल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, यानी कि
प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो स्कूल की ऑफिस से जाके आपको लेना होगा इन पर्सन 100 रुपीज देके। तो 100 रुपए में आपको एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट करना होगा एंड ये आपको सबमिट करना होगा अलोंग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड करके, जितने भी सारे टेस्टिमोनियल्स है, मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप क्लेम करते हैं सभी का मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे एज अ प्रूफ देना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके, एंड वो 3 जुलाई से पहले यानी कि 3 जुलाई से पहले जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, 3 जुलाई दोपहर 12 बजे से पहले, ठीक है। तो ये आप ये मत सोचिए कि एक एक करके वैकेंसीज है फिर क्यों हम अप्लाई करें। मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि नियर बाय लोकेशन पे जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो यहाँ पे जरूर जो है अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फीस जो है वो ज्यादा नहीं है, 100 रुपीज ही है। बट यहाँ पे आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि जो 1 वैकेंसी है वो आपके लिए ही हो, आप मतलब वो जो वैकेंसी है वो उसमें आपका ही सिलेक्शन होगा, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो, नेगेटिव में क्यों सोचते हो कि 1 वैकेंसी है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर नहीं भी होगा पॉजिटिव सोचिए, बट बाद में अगर नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आपका जो भी एनवायरमेंट क्रिएट होगा, यानी कि वो लोग बहुत प्रेशर देते हैं, तो वो सारे सिचुएशन कंट्रोल करने का, हैंडल करने का जो एक्सपीरियंस वो आपके पास आ जाएगा। तो कोई भी चीज जो है वो बेकार में नहीं जाता है, इसीलिए मैं मेरा सजेशन यही रहेगी कि एक एक पोजीशन है बट फिर भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कीजिए जो नियर बाय लोकेशन पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इन पर्सन जाके ही आपको कलेक्ट करना है। तो नियर बाय लोकेशन पे जो भी कैंडिडेट्स रहते हैं वो जाके यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए एंड फिल करके सबमिट कीजिए एंड यहाँ पे आप जाइए, जाके इंटरव्यू अटेंड कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये आया है पुलिस मॉडर्न स्कूल आगरा की तरफ से, ओके, पुलिस मॉडर्न स्कूल आगरा की तरफ से। तो अब मैं एक बार जो है ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देती हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ पे आके आपको ऊपर ही वैकेंसीज करके मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो नीडफुल या फिर हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स के बारे में आप बता सकते हैं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, वो आपके फ्रेंड या फिर रिलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।